बच्चों सुप्रभात, मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 8 हिंदी विषय से पाठ 3 भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। आज जिस शख्सियत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वह शख्सियत से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। जो आदमी एक आम आदमी से खास किस प्रकार बनता है, उसी के बारे में है। 21वीं सदी, तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले हम लोग एक नज़र शब्दार्थ पर चलते हैं। शब्दार्थ तो बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा देखेंगे। संकीर्ण मतलब होता है तंग, तुच्छ मतलब छोटी, लक्ष्य मतलब ध्येय, प्रतिभा मतलब बुद्धि, निश्चिंतता मतलब बेफिक्री, आध्यात्मिकता मतलब होता है आत्मा परमात्मा से संबंधित, ब्रह्मांड मतलब होता है पूरे विश्व को ब्रह्मांड बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, इंटीग्रेटेड मतलब संपूर्णता, टीचिंग मतलब शिक्षण, रिकमंड मतलब सिफारिश, शख्सियत मतलब व्यक्तित्व, अविवाहित मतलब कुवारा, आजीवन मतलब जीवन भर, भूमिगत मतलब जमीन के नीचे, सम्मानित मतलब जिसका सम्मान किया जाए। अब हम लोग पाठ की तरफ चलेंगे। इक्कीसवीं सदी में जवान होती पीढ़ी के सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक प्रकाश पुंज के रूप सामने आए। देखिए, एक एक वर्ड अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी बात है। प्रकाश पुंज के रूप में प्रेरक मतलब हमें होता है प्रेरणा देने वाला, जिससे हम प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसका नाम होता है प्रेरक। और प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज, वैसे रोशनी जिसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, उसका नाम है प्रकाश पुंज। तो यह व्यक्ति एक प्रकाश पुंज के रूप में हमारे सामने आए थे। उनके पास एक विजन था, एक लक्ष्य था, क्या भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना। उनका एक सपना था जो हम अपने देश को, हम अपने भारत देश को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की तकनीक के सहारे देश को बदलने का सपना देखा था। युवाओं के बीच वे खासे लोकप्रिय थे। उनका जीवन भारत को सदैव आगे बढ़ने के लिए, बढ़ते रहने की दिशा दिखाता रहेगा। एक कविता इसमें दिया गया है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वयं का रचित है और यह हिंदी अनुवाद किया गया है। हे भारतीय युवक ज्ञान विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूँगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर, उससे ऊपर या नीचे, दीप जलाए रखूँगा जिससे मेरा देश महान हो। ये बताए हैं कि इस पृथ्वी पर कहीं भी आप अपने दीपक को जलाए रख सकते हो, आप अपने ज्ञान को बरकरार रख सकते हो, आप अपने गुण को विकसित रख सकते हो, आप अपने गुण को प्रकाश पुंज की तरह फैला सकते हो, और उस प्रकाश पुंज को फैलाने के लिए उससे रोकने वाला तुम्हें कोई नहीं है। उसे तुम जब तक चाहो उस प्रकाश पुंज को फैला सकते हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य, मतलब ऐसी भावना अगर आप में है, अमूल्य भावना, तो आप अपने जीवन में ऊँचे उठ सकते हो, एक ऐसा दीपक जला सकते हो जिससे पूरे देश प्रकाशित हो सकता है। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे अबुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वर
जैसे छोटे कस्बे में पैदा होने वाला यह लड़का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका देगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाबदीन और माँ आसियम्मा को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। अपने बचपन के बारे में बिताते हुए उन्होंने अग्नि की उड़ान में लिखा है। अग्नि की उड़ान उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें उन्होंने वर्णित किया है कि मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जो उनका जीवन उनका बचपन किस तरह से बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो ऐसे दृश्य में उन्हें गुजरना पड़ता है। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। आध्यात्मिक का मतलब होता है हमारी जो अपनी धर्म संबंधी जो बातें हैं उसके विषय में। उन्होंने मुझे बताया जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इत्र ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत आयु जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। माँ डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्वाटर हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। जब वे त्रिची से रामेश्वरम लौटते तब अपने बड़े भाई मुस्तफ़ा कमाल की परचून की दुकान पर मदद करवाते थे। सेंट जोसेफ कॉलेज में वे 4 साल रहे। यहीं उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे MIT के नाम से जानते हैं उसके चक्कर लगाने शुरू किए। वहाँ के लिए उनका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में तो आ गया पर पिताजी के पास इतना पैसा न था कि दाखिले का खर्चा उठा सके। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने हाथ के करे और गले का हार गिरवी रखकर फीस चुकाई। तभी उन्होंने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने और पैसा कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मतलब गरीब परिवार के होने के कारण साधारण तरीके से उनका दाखिला नहीं हो पाया। उसके लिए उनकी बहन को अपने गहने बेचने पड़े। 1955 में पहला वर्ष पूरा हो करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विशेष विषय बनाया। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO से के नाम से जानते हैं उससे जुड़ गए। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया लेकिन वे उससे संतुष्ट न थे। इसके बाद 1962 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। मतलब इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार
डॉक्टर बी एस अरुणा चलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटम गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस जैसे मिसाइलें बनाई। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके प्रयासों से ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन सका। 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में 3 विभिन्न क्षमताओं वाले परमाणु बम के परीक्षण किए गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ये परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों की अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों में पर बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। मतलब इन परमाणु शक्ति का परीक्षण होने से दूसरे देशों पर इसका व्यापक प्रतिक्रिया हुआ। भारत ने उनके विरोध के सामने घुटने नहीं टेके। 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर दो और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर इन्होंने दृढ़ इरादों का परिचय दे दिया। राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने 25 जुलाई 2002 को ली और पूरे 5 का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। वे 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की व्यक्तिगत जिंदगी बहुत अनुशासन प्रिय थी। यह एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, अनुशासन प्रिय होना। मतलब हमारे ज़िंदगी में अनुशासन का कितना महत्व है आप समझ सकते हो। आप भी अनुशासन प्रिय बनकर ही अपने जीवन में अच्छे नागरिक बन सकते हो, अपने जीवन को अच्छे मुकाम पर ला सकते हो। अनुशासन प्रिय बनना होगा। अनुशासन प्रिय बनकर ही इन्होंने राष्ट्रपति का पद पुरस्कारित राष्ट्रपति का पद हासिल किया। वे शाकाहारी थे। देखिए, एक मुसलमान होते हुए जो मुसलमान कहते हैं जो गोश्त खाना, जानवरों का गोश्त खाना हमारे कुरान में लिखा हुआ है। और ये भी हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ये अभी एक मुसलमान व्यक्ति थे और यह क्या थे, शुद्ध शाकाहारी थे। इनके लिए कुरान नहीं था। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम मूलतः राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। वे शुरू में राजनीति से इनका कोई लगाव नहीं था। ये तो विज्ञान के क्षेत्र में अपना तरह तरह के प्रयोग करके परीक्षण करके नए परमाणु शक्ति बनाए। और बाद में जब राष्ट्रपति के पद पर आए तो राजनीति दृष्टि से संपन्न भी हो गए। वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा देश जो है अग्रणी रहे, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजीवन अविवाहित रहे। देखिए, इन्होंने आजीवन शादी नहीं की। वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते थे। वे विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय थे। समय समय पर वे उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने शोध के 4 उत्कृष्ट पुस्तकों में समाहित किया। इन पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है
अग्नि की उड़ान उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। अग्नि की उड़ान इनकी आत्मकथा है, इनके जीवन से संबंधित सारी चीज़ उसमें लिखा गया है। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। 83 वर्षीय डॉक्टर अब्दुल कलाम शिलोंग IIM के एक कार्यक्रम लिबेबल प्लेनेम अर्थ में भाषण देने गए थे, वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उन्होंने अस्पताल में 7:45 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हर दिल रोया, हर हाथ ने उनको अंतिम सलाम किया। कौन ऐसा शख्स होगा जो ऐसे शख्सियत के निधन पर अपना सलामी नहीं देगा। 30 जुलाई 2015 को उन्हें रामेश्वरम में सुपुर्द खाक किया गया, मतलब उनको क्या किया गया, अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की अनेक महान हस्तियों ने ये उद्गार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा था, कलाम हमारे राष्ट्र के रतन थे और बाद में राष्ट्रपति, पहले हुए हमारे राष्ट्र के रतन थे, ऐसे अनमोल रतन थे और बाद में वो राष्ट्रपति हुए। कलाम की शख्सियत बेहद खास थी, उनकी ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को भी प्रेरणा देती है। राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रपति कलाम जनता के राष्ट्रपति थे, वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनमें देश के लोगों खासकर युवाओं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता थी। सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहे थे, 83 वर्ष के कलाम ऐसी नेक शख्सियत थे जिनमें 38 वर्ष की ऊर्जा और उत्साह था और 8 साल के बच्चे की सी मुस्कान थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, मतलब हमेशा लोगों को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने समय समय पर कुछ प्रेरक बातें कहीं, कुछ प्रेरक कथन निम्नलिखित हैं, पहली जीत के बाद आराम मत करो, ये कथन है जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आप सभी से प्रेरित हो सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतार कर अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आइए, पहला है, पहली जीत के बाद आराम मत करो क्योंकि अगली बार नाकाम हुए तो लोगों को यह कहने का बहाना मिलेगा कि पहली जीत तो भाग्यवश मिली। दूसरा है, बारिश के समय सभी पक्षी शरण तराशते हैं मगर बाज बादलों में से भी ऊपर उड़ान भरकर बारिश से बचाव करते हैं, मतलब परिस्थिति होने के बाद भी अपने मंजिल को पाने का प्रयास करो। इंसान के जीवन में मुश्किलें की ज़रूरत होती है क्योंकि कामयाबी का आनंद लेने के लिए वह भी ज़रूरी है, मतलब कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और बुद्धिमान लोगों का देश बनाना है तो 3 लोग बड़ा फर्क ला सकते हैं, पिता, माँ और शिक्षक। मतलब पिता हमारे क्या होते हैं, जीवन के कर्णधार होते हैं। पिता हमारे लिए हमेशा जीवन के बारे में सोचते हैं, हमें हमेशा अच्छी बातों का अनुसरण करने को कहते हैं और माँ कभी भी हम लोगों के लिए गलत नहीं सोचती है। और शिक्षक को तो छोड़ ही दीजिए, शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। आइए, डॉक्टर अब्दुल कलाम से एक साक्षात्कार के अंश, सन 2020 में नवभारत टाइम्स में छपे इंटरव्यू के कुछ अंश हैं। इस इंटरव्यू को राजेश मित्तल और नरेश तनेजा ने लिया था। भारत 2020 के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा, तो इन्होंने कहा था, हमारे पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, 560 मिलियन युवा इस वक्त देश में है, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के पास इतनी यूथ पावर नहीं है। इसमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कह सके मैं इस काम को कर सकता हूँ, फिर यह
मैं विस्तृत होकर हम में परिवर्तित हो जाएगा, आगे बढ़कर यह हम भारत में बदल जाएगा। मन एक एक मैं जो है हम में परिवर्तित हो जाएगा और वह फिर भारत का एक अंश बन जाएगा। एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण है, इस पर इन्होंने कहा था, वह दिल का साफ सुथरा हो जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गए। वह एक बार भी विचार नहीं किया जो मैं हमारी अपनी माँ ने नहीं कही है। ऐसी अच्छाई तीन लोगों को सिखा सकते हैं, माता पिता और आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर। दो से तीन किताबों जो पढ़ना आप रिकमेंडम करेंगे, तो इन्होंने कहा था, एक तो जूनियर वाटसन्स की लाइट्स फॉर्म मेनी लैप्स, इसमें महान लोगों के जीवन और संघर्ष की दास्तान शामिल है। दूसरी किताब है तिरुवल्लुवर लिखित तिरुकुरल, यह तमिल में है। इसे पढ़ने से आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे चीज़ प्रदर्शित होंगे और आप अपने जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। जीवन ने आपको क्या सबक सिखाए हैं, इस पर उन्होंने कहा, पहला यह कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हो तभी जीवन का लक्ष्य बना लो। दूसरा, लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। तीसरी बात, मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। चौथी चीज़ यह कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थिति आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। मतलब हालात के अनुसार आप अपने आप को नियंत्रित रखें। कलाम क्या है, पूर्व राष्ट्रपति, एक साइंटिस्ट, मिसाइल मैन या कुछ और। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छे आदमी के रूप में जाने, वैसे मुझे टीचिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। इन्होंने लिखा है, कलाम क्या है, पूर्व राष्ट्रपति, एक साइंटिस्ट, मिसाइल मैन या कुछ और। तो उसका आंसर इन्होंने लिखा है कि मैं पूर्व राष्ट्रपति हूँ या नहीं हूँ, एक मैं साइंटिस्ट हूँ या नहीं हूँ, मिसाइल मैन हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे आदमी के रूप में हूँ। मुझे एक अच्छे आदमी के रूप में ही लोग जाने और मुझे टीचिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, यह इन्होंने बताया। तो इस तरह से आपका ये पाठ ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाठ ख़त्म नहीं हो चुका है। यह पाठ से आप लोगों को यह सीख मिली है कि एक गरीब परिवार से होते हुए इन्होंने कठिन मुसीबतों का सामना करते हुए एक बहुत बड़े मिसाइल मैन बने, और मिसाइल मैन होते हुए एक राष्ट्रपति का पद हासिल किया और उसे भी बखूबी निभाया। और एक युवाओं के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इस तरह से हम लोग भी इनसे प्रेरक के रूप में इन्हें जाने और प्रेरित होकर, इनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएं। तभी हम अपने देश में अच्छे कर सकते हैं, अपने देश में अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इस तरह से आपका पाठ 3 समाप्त हो चुका है और इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।